हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपनी कार के लिए एक एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर मंगवाया है अमेजोन से, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा डैमेज दिख रहा है मुझे, ये देखो ये डैमेज। अब इसके अंदर का सामान सही है या नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये जो टेप है ये सब अलग से चिपकाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ सामान डैमेज ना हो, बाकी देखते हैं फिर। चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, खुलेगा किधर से। हालत इसकी बहुत खस्ता लग रही है, देखते हैं। तो ये किधर से खुलने वाला है, चलो इधर से खोल के देखते हैं। ये देखिए, ये है खुलने की जगह, ये यहाँ से ओपन होगा तो सही सलामत रहना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो इसमें। नहीं तो ये देखिए, एक ये है और एक ये पार्ट है। और अगर मैं इसको हटाऊं तो दो चीज़ें हमने मंगवाया था, एक हमारा एयर फिल्टर था और एक ऑयल फिल्टर था। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ओपन करके देखते हैं। ये हमारा ऑयल फिल्टर है एलटेक का, तो अमेजोन से परचेज किया है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसकी कंडीशन सही है या नहीं। ये जो है ठीक है, कंडीशन तो ठीक है इसकी, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है। चलिए ये तो हो गया, और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं क्या, यहाँ पर कुछ तो, बस बस इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है। ये हमारा ऑयल फिल्टर है, अब इसकी हालत देखते हैं, क्योंकि दाब इसी पे लगा था तो सही होना चाहिए। ये देखिए सेरलेट स्पार्क का 1100 दिखा रहा है इसमें मैं प्राइस, और इसका प्राइस कितना दिखा रहा है, ये टोटल मुझे 850 का मिला है ये दो के दोनों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। ये देखिए, ये है एयर फिल्टर और दूसरा हमारा है ऑयल फिल्टर। तो बस यही आपको आज दिखाना था, और ये दोनों के दोनों एलटेक कंपनी के हैं, तो इसका कैसा परफॉर्मेंस है लगाने के बाद वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसको यूज करने के बाद। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।